गांधी जी के तीन मंदिर हैं। तो दोस्तों ये चल रही है आजकल हमारे गांव में पानी की समस्या। रात को मतलब लोग खाना खा के रेस्ट करते हैं और हमारे गांव में ना पानी भरा जा रहा है। डाल देना, आराध्या को काम दिया कि जो काफल आप लाए वो बैग में डाल दो। सीजन का पहला काफल काफी अच्छे पके हुए हैं, टेस्ट काफी अच्छा होगा इनका, पक्का है। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस ये है गेहूं को सुखाने का। सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुवाणी में। तो दोस्तों आज का जो गांव का मॉर्निंग का नज़ारा है वो काफ़ी प्यारा बना हुआ है, पूरा देख सकते हैं मस्सा। बट इस साइड पूरा धुआं ही धुआं, जो जंगलों में आग लगा था ना पिछले कुछ दिनों से वो अभी भी बरकरार है। और यहां पर थोड़ा सा लोगों के गेहूं की कटाई बची हुई है और तो पूरा साफ कर दिया लोगों ने चार दिन में ही। तो दोस्तों गाँव में काम काज करने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि यार लोग इतने फटाफट काम को पूरा कर लेते हैं ना पता भी नहीं चलता है। जैसे ही काम शुरू होता है वैसे ही फिनिश भी हो जाता है। और गांव में एक खासियत और है कि मदद करने वाली बात है। जैसे कि अगर मेरा गेहूं की कटाई पूरी हो चुकी है तो मैं दूसरों की कर लूँगा, तो इस वजह से दूसरे का भी काम निपट जाता है और दूसरा भी कभी ना कभी मेरी मदद करेगा। तो इस प्रकार का वो सर्कुलेशन चलता रहता है गांव में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो तुम्हारा भाई मुहाद धोके रेडी हो चुका है, तो आज ना मैं खेत जाके ही रहूँगा क्योंकि यार घर वाले काफ़ी नाराज़ हैं। सुबह मुझे वाइफ भी सुना रही थी, मम्मी भी सुना रही थी यार कि तू काम कर ही नहीं दे रहा। तो क्यों ना आज मैं थोड़ा खेत की तरफ चलता हूँ, और आपको भी ब्लॉग में बने रहना है तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो लेट्स गो इन माई खेत। तो दोस्तों ये रहा पूरे गांव की सारी, जो गांव से थोड़ा लेफ्ट साइड को है, और आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर गेहूँ काट लिए हैं और कुछ मात्रा में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। जैसे कि हमारा भी ये खेत है और यहाँ पर गेहूँ की कटाई चल रही है। सॉरी ये है, तो ये रही मेरी वाइफ और ये गाँव वाले लोग लगे हुए हैं गेहूं की कटाई में। तो चलो मैं भी चलता हूं इस खेत में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका अपने खेत में, और अब तुलसी से पूछते हैं कि मैंने काम क्या करना। तुलसी मैं क्या कहूँ है, क्या कौन मैं काटने, ये छटनी इसका इस टाइप का बनाना है, मोटा टाइप का ना। तो दोस्तों पहाड़ों में काफ़ी हार्ड वर्क जरूर है, देख सकते हैं कड़ी धूप में इस तरीके से गेहूं की कटाई चल रही है और ये तुलसी के द्वारा चल रही है। तुलसी कैसा लग रहा है धूप में काम करने में, कैसा फील हो रहा है? तो ये इस तरीके से काट के यहाँ पर रखा है और फिर मुझे ये इस टाइप का छांटना है, ये देख सकते हैं। और शायद एक भाभी आवाज़ मार रही है तुलसी को कि रस्सी चेबल। प्रिया गाना सुना ना? नहीं मेरे को नहीं आता। क्यों? नहीं अभी नहीं सुना रही मैं गाना। कब सुनाएगी फिर? कल। तेरे को क्या हो गया आज? मेरे को बुखार आ गया। क्यों आया दिन भर? धूप की वजह से। मत करना फिर काम, छोड़ दे। हाँ तो मैं तो छोड़ना कर रही थी, जबरदस्ती करवा रहे मेरे से काम। कौन करवा रहा? कौन करवा रहा, तेरी मम्मी? घास का और घास ही काट रहे हैं आजकल गर्मी की छुट्टियों में, और हाथ भी कट चुका है, दिखा तो नहीं रही मैं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो दोस्तों अभी तक हम खेतों में आए थे गेहूं की, जो क्या बोलते हैं उसे, गेहूं को छाट के क्या बनाते हैं, पुल तो बड़ा वाला हुआ ना, उसे क्या बोलेंगे? हाँ मोटा। तो उस टाइप का बनाया और खेत में छोड़ दिया। अब घर जाने की तैयारी है क्योंकि टाइम भी हो चुका है 11 के आसपास, और खेत में काफ़ी गर्मी हो रही है यार आजकल में। जैसे लोग दिल्ली देहरादून में गर्मी में बेहाल हैं, उस तरीके से हम भी खेतों में बेहाल हैं, है ना रिया? तो दोस्तों वक्त हो चला है 11 का, और खेतों में आजकल काफ़ी हार्ड धूप हो रही है, इस वजह से अभी घर जाना है। तो बोझा ये रेडी रहा,
तो चलो चलते हैं अब घर के लिए, नाश्ता भी नहीं कराया और मुझे अभी नंदनगढ़ घाट भी जाना है क्योंकि एक पार्टी को मंगवाया है मैंने एल्बम सेलेक्ट करने के लिए। तो लेट्स गो एट होम देन नंदनगढ़ घाट। तो दोस्तों कड़ी धूप में मैं पहुंच चुका घर में और इस भूजल आने में ना मेरे पसीने छूट गए हैं, इतना हार्ड आजकल गर्मी शुरू हो चुका है। और आसमान थोड़ा काला काला इसलिए लग रहा है क्योंकि शाम को 100% है कि बारिश लग सकती है। तो जो ये मेरा भूजा है ना इसे मैं इस पन्नी में सुखाने रख दूँगा, यानी जो गेहूँ का मूठा है ना उसे धूप में रखना पड़ेगा सुखाने। तो पन्नी खोलते हैं जरा। तो दोस्तों ये रहा पूरा प्रोसेस गेहूं को सुखाने का, जो हम सोल्टी में गेहूं को लाए ना तो इस प्रकार से ऊपर से हाथ हाथ मार के मतलब खोलना पड़ता है इसे, ताकि पूरा जो गेहूं की बालड़ी यानी जो गेहूं है ना वो पूरा अच्छे से सूख जाए। बट आसमान तो पूरा कोहरे से घिर गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी ये सूख पाएंगे, तो इसको तो कल ही सुखाना पड़ेगा जब कल प्योर धूप लगेगी। तो अपने बदले का काम मैंने तुलसी को सौंप दिया है, जो गेहूं को सुखाना था ना वो तुलसी सुखाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है और सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो फटक से चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों मैं वैसे तैयार हो गया था घाट जाने के लिए कि जो पार्टी थी वो एल्बम सेलेक्ट करे, बट जो कपल थे ना उन्हें शायद गाड़ी नहीं मिली बल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि आज के बदले कल कर सकते हो बल। तो वैसे तो तैयार हो गया हूँ, बट क्यों जाना यार फालतू घाट इतने दूर यहाँ से वहाँ, फिर बाइक की कंडीशन भी ख़राब है, तो क्यों ना कल ही जाएँ। तो फिर ड्रेसिंग उतारना पड़ेगा यार, फिर घर गृहस्थी वाला भेज भूसा पहनना पड़ेगा। गाँव में तो काम बारह मास लगा रहता है, मम्मी वाइफ और बहन लोग गेहूँ की छटाई कुटाई पिटाई जो भी होते हैं ना उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। और मैं निकल गया अपने गांव से थोड़ा बाहर, तो इस सीज़न का पहला काफल लेने जा रहा हूँ। मैं खुद नहीं ला रहा हूँ, जो मेरी वाइफ है ना उनकी दीदी लोगों ने, यानी जो मेरी जिठो जी है ना वो खुनाड़ा जिठो ही बोलूँगा, हाँ शायद जिठो ही बोलते हैं, थोड़ा रिश्तेदारी कम मतलब होता है ना, तो जीठो जी और जो साढ़ भाई हैं हमारे यानी भैया है ना, उन्होंने काफल जंगल से कलेक्ट करके हमें रखा हुआ है। तो मुझे कल से फ़ोन आया था कि कल आप आओगे लेने, तो मैंने कहा और वाइफ ने भी कहा यार काफल नहीं खाया है, तो मम्मी लोगों को भी, क्योंकि इतने दूर तो आजकल टाइम नहीं है कि हम काफल लेने जाएं कहीं जंगलों में, तो रिश्तेदारी इसीलिए काम आ जाते हैं कि जीरो टाइम पर कुछ ना कुछ। तो बाइक ये है मेरी और अभी अपने बाइक से मैं लुवाणी से निकल पड़ा हूँ खुनाना के लिए। और मौसम यार काफ़ी बेकार बना हुआ है, ये पूरा चेक कर सकते हैं किसी भी वक्त न तक आए, ये पूरा व्यू चेक करें। तो जिस दिन सुबह तगड़ी धूप होती है ना उस दिन पक्का है कि शाम को बारिश लगती ही लगती है, और मौसम पूरा चेप हो चुका है, यहाँ से हमारा गांव तक नहीं दिख रहा है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं बारिश होती या नहीं होती है, फिलहाल तो निकल पड़ते हैं आगे के लिए। पहुंच चुका खुनाना गांव में जहां की मुझे जाना था काफल लेने, और यहां से खुनाना गांव शुरू हो जाता है। तो जो मेरी जीठो लोगों का घर है ना वो यहां से थोड़ा आगे को है और वहां से नीचे जाना पड़ता है, तो मैं अभी उनके घर ना जाके उनको रोड पे बुला लूँगा ताकि मुझे आसानी से घर जाने में देरी ना हो, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। तो उन्हें फ़ोन कर देते हैं कि थोड़ा काफल को फूल ले के आ दें रोड पर। तो ये रही आराध्या जो मुझे काफल लेके आए, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम, वाओ कितनी प्यारी है, हेलो। तो आराध्या ने मुझे दिए काफल, तो मैं आराध्या को थैंक यू बोलो, मैं आराध्या, तो थैंक यू सो मच आराध्या, क्या हुआ वेलकम नहीं बोल पा, डाल देना आराध्या को काम दिया कि जो काफल आप लाए वो बैग में डाल दो, चैन कौन लगाएगा उसका, चैन भी लगा ले, काफल के बदले आए ठीक है ना, काफल के बदले है कि ये बेटा मुझे मार रही नहीं मारूंगा, हेलो कर देना टाटा, जा फिर जा घर जा, हाँ जाना जा। नहीं पहले आप जाओ, नहीं पहले आप जाओ, पहले आप जाओ, क्या मिल रहा तेरे को मेरे बाल खींच के, मैंने कितना अच्छे से बना रखा था नहीं क्या मस्त बना रखा था, देख ना बाल खड़े कर रखे, बाय बाय कर दे टाटा जा। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ऐसे फील हो रहा था कि बारिश हो सकती है, और अभी तो फिर से सनसेट के वक्त धूप फिर दिखने लग गया है, यानी
मौसम थोड़ा सा खुल चुका है। 2024 का जो पहला काफल है उसको आपको दिखाते हैं बैग में से कि कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। और अभी खुनाना से भी मैं अपने गांव के लिए निकल चुका हूँ, वहाँ पे काफ़ी लोग थे ना रोड पे, तो थोड़ा हो जाता है हेजिटेशंस वगैरह कि यार काफल को दिखा रहा है, क्योंकि उनके इधर जंगलों में तो रोज़ होता रहता है, जाते रहते, इसीलिए होता है ना वो थोड़ा हेजिटेशन। तो चलो दिखाते हैं आपको 2024 के पहले काफल। तो ये चेक करें दोस्तों, वाओ काफ़ी मस्त पके हुए हैं, उम्मीद है कि काफ़ी टेस्ट भी होगा इसमें। तो देवभूमि उत्तराखंड में तो देवताओं का निवास है, तो सबसे पहले हम हर चीज़ को ना, जो मिठाई इत्यादि जो भी होता है कुछ भी चीज़ पहले भगवान को चढ़ावा। तो भगवान हमारे मतलब जन्मभूमि कहीं पर भी, मतलब पूरा देवभूमि उत्तराखंड है। तो अब सीज़न के पहले काफल को, वाओ काफ़ी मीठे हो रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट करें। देखिए जब मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा हूं तो मुझे रास्ते में ना लुंत्रा गांव मिला है, यानी जहां तुम्हारे भाई का ससुराल है और मेरी वाइफ, यानी लुंत्रा गांव की, तो पहले थी ना अब तो नहीं है। तो चलो उस गांव के भी खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं अपने कैमरे से। तो दोस्तों फाइनली घर तक भी पहुंचा दिया मैंने काफल, और मम्मी लोगों को भी दे दिया है। तो वाइफ यानी जिनकी दीदी ने दिया था ना, वो तो अभी कहीं खेत गए हैं शायद, तो काफल उन्हें बाद में खिलाया जाएगा। फिलहाल मैं अपने व्यूअर्स को तो चला है 9:30 के आसपास, और तुम्हारे भाई लोगों का डिनर भी हो चुका है, और आज काफल काफी खा के ना काफी मजा आ गया यार। उम्मीद कर रहे हैं यार कोई और रिश्तेदार रहते ना जो काफल भेजते हमें दोबारा, तो इस बार दीदी लोगों ने भेजा, उनके लिए थैंक यू। तो दोस्तों हमारे गांव में ना आजकल बहुत ही बड़ी समस्या है कि पानी की समस्या, हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा यार, पानी के लिए ना सब परेशान हो रखे हैं। रात को मतलब जैसे ही खाना खाते हैं ना तो फिर पानी भरने का काम शुरू हो जाता है, वैसे लोगों को अब तो दिन भर काम काज से थकान रहती है, अभी रेस्ट करना चाहिए था, बट हमारे गाँव की कंडीशन ही कुछ अलग चल रही है आजकल पानी के कमी के कारण। पहले हमारे गांव में इतना पानी था कि लवाणी गांव नाम इसीलिए है क्योंकि यहां बहुत मात्रा में पानी था, अब धीरे धीरे पानी विलुप्त होता जा रहा है, पता नहीं क्या सा हम मतलब पेड़ पौधे की कमी रख रहे हैं इसीलिए हमारा जो जल स्तर है ना वो कम होता जा रहा है। तो सभी लोगों को यार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए, पानी की जो कमी है उसे पूरा करना चाहिए। चलो चलते हैं नीचे, वाइफ लोग ना पानी भर रहे हैं अभी, इतनी महंगी नौकरी है, पानी की बाल्टी और ये प्रेशर भी ला रखा है इसने भरने के लिए। ये तीन तीन लोग यहाँ पे पानी भर रहे हैं, तो तीन बंदर पानी भर रहे हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? तुलसी, फिर अभिलाषा, फिर प्रिया, संध्या। और ले जाना क्या नीचे कहवा ना। तो दोस्तों ये चल रही है आजकल हमारे गांव में पानी की समस्या, रात को मतलब लोग खाना खा के रेस्ट करते हैं और हमारे गांव में ना पानी भरा जा रहा है गांव में पानी की समस्या है, है? क्या करे तब, हमारे गांव में आजकल पानी की समस्या है, है ना? तो दोस्तों तुलसी आ चुकी है पानी भर के, भर दिया पूरा Yes. पानी का स्रोत कैसे बढ़ सकता है पता है कुछ? कैसे बढ़ा सकते हैं? पेड़ पौधे लगा के। अच्छा, बड़ी समस्या है यार गांव में आजकल, है ना? तो दोस्तों वाइफ लोग आ चुके हैं पानी भर के, और अभी ये वीडियो बनाने लग गई है फोन पे, तो मैं तो अपना नया फोन नहीं दूंगा इसे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना ब्लॉगिंग को एडिट भी करना होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, पानी भरने की जो समस्या है उसका समाधान आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस तरीके का समाधान है, और गांव में यानी हमारे गांव को छोड़ के बाहर गांव में भी अगर किसी गांव में इस तरीके की समस्या है, यानी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, मतलब पानी से परेशान है, तो कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। तो चलो फिर मिलते हैं इस तरह नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।